तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में कस्टमाइजेशन के लिए आपको गुडलक की ऐप मिलती है दोस्तों। उसके अंदर एक ऐप होती है साउंड असिस्टेंट, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया। उस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए हैं सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना और साथ में मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अनवर, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ साउंड असिस्टेंट के ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपके मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे, गैलेक्सी स्टोर पे चले जाना है। वहाँ पर जाके आपको अपडेट्स के ऑप्शन पे जाना है, अपडेट्स में वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि अपडेट अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आप अपने गुडलक वाले ऐप में भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको चले जाना है, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ आपको मिल जाएगा साउंड असिस्टेंट पे एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस अपडेट को कब रिलीज किया गया और क्या वर्जन नंबर है, आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट का वर्जन नंबर है 5.1.00.10 और जिसको रोल आउट किया गया 16 नवंबर, मतलब कल के दिन इसको रोल आउट किया गया, जिसका साइज है 14 MB का। अब यहाँ पर बात करें क्या क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस किया गया है अप्लाई स्टेबलाइजेशन कोड। स्टेबलाइजेशन मतलब कि जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी बीच को मीडियम करने का और अच्छे से उसको वर्किंग करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इस अपडेट को एक कोड यहाँ दे दिया गया। साथ में फिक्स द प्रॉब्लम दैट द ऐप वॉल्यूम सेटिंग इज इनिशिएट आफ्टर रिबूटिंग। क्या हो रहा था, जब भी आप जैसे ये वॉल्यूम की जो ऐप सेटिंग्स होती है, जैसे ये वॉल्यूम पैनल है आप देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम पैनल ये साउंड के असिस्टेंट के अंदर होता है, तो इसके पैनल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी अपडेट होने के बाद। तो इसमें क्या हो रहा था, जो भी जो वॉल्यूम की पैनल होता है या वॉल्यूम सेटिंग होती है, जब भी मोबाइल को रिस्टार्ट कर रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। साथ में डेक्स वॉल्यूम पैनल डिस्प्ले एरर, उसको भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। तो अब इसको कर लेते हैं ओपन। अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले ऐसा ही ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है कस्टमाइज वॉल्यूम पैनल, यहाँ पर जाएंगे तो आपको वॉल्यूम पैनल कस्टमाइज करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जाएंगे वॉल्यूम पैनल आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है। सेकंड में जाएंगे मेक योर ऑन वॉल्यूम पैनल, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे यहाँ पर वॉल्यूम पैनल दिख रहे होंगे। आपको जैसा वॉल्यूम पैनल लाइटिंग चाहिए आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको लाइटिंग चाहिए उस लाइटिंग पे आपको चूज कर लेना है और वो आपको वहाँ पर वैसा दिख जाएगा। जैसे कि मैंने ये चूज कर लिया तो ऐसा यहाँ पर दिख जाएगा। ये बहुत सारे ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन राउंड शेप में चाहिए, ये आपको स्लाइड बार में चाहिए, शेप्स कैसा होना चाहिए, साइज क्या हो, सब यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और नीचे की बगल में आएंगे तो थीम्स भी कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे फ्लेक्स वॉल्यूम में। उसके बाद आएंगे नीचे इंडियन, ये लिखा इंडिविजुअल ऐप वॉल्यूम, आप यहाँ पर इंडिविजुअल ऐप का भी वॉल्यूम को सेट आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस ऐप में जाएं तो उसका वॉल्यूम कैसा रहा है, तो अब यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है प्लस पे, प्लस पे जाने के बाद आपको उस ऐप को सेट कर लेना है जिस ऐप के लिए आपको इंडिविजुअल आपको इंडिविजुअल वॉल्यूम सेट करना। लाइक मैंने गैलरी क्लिक कर लिया और यहाँ पर ऐड कर दिया, गैलरी का आ गया। अब यहाँ पर मैं सेट करूँगा तो चाहे मेरा मोबाइल का वॉल्यूम फुल भी हो और जब भी मैं गैलरी में जाऊँगा तो वो वहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से फीचर काम करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल मीडिया वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप कंट्रोल मीडिया वॉल्यूम देख सकते हैं। कंट्रोल द मीडिया वॉल्यूम इनसाइड ऑफ द रिंगटोन व्हेन यू आर प्रेस द वॉल्यूम की, तो यहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर इसको ऐसा ही कम ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हो, और अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आप यहाँ पर खाली रिंग की टून को ही कस्टमाइज कर पाएंगे। नीचे है मीडिया मैनेजर मोड, व्हेन द योर फोन इज सेट टू वाइब्रेट और म्यूट मीडिया वॉल्यूम इज आल्सो म्यूटेड। ये बहुत शानदार फीचर है कि जब भी आप अपने मोबाइल को यहाँ पर साइलेंट करेंगे तो मीडिया वॉल्यूम ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। चेंज द स्टेप वॉल्यूम, तो स्टेप वॉल्यूम की किस हिसाब से स्टेप हो वो यहाँ पर कस्टमाइज, जितना कम कर देंगे इतनी स्लो स्लो वो कस्टमाइज होगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ज़्यादा वो कस्टमाइजेशन होगा आपको मिलेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल म्यूजिक विद वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको ऑन कर दीजिए और क्या क्या चाहिए आपको अपने प्रीवियस सॉन्ग, डाउन पे नेक्स्ट सॉन्ग, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे फेवरेट मीडिया एप्स, सेलेक्ट एन ऐप टू प्ले कंट्रोल म्यूजिक व्हेन यू आर प्रेस मल्टीमीडिया की ऑन योर कनेक्टेड हेडफोन ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेट्रा, इफ करेंटली ओपन ऐप सपोर्ट्स मल्टीमीडिया की इस विल बी प्ले थ्रो। मतलब कि कोई भी आपने कोई ऐसा माइक लगाया, ऐसा कोई हेडफोन लगाया या कोई ब्लूटूथ हैंडसेट लगाया जिसमें कुछ पर्टिकुलर कीज है म्यूजिक के लिए, तो वो यहाँ पर वर्क करेंगी। उसके बाद है नीचे ब्लूटूथ मेट्रोनोम्स सिंक्रोनाइजेशन ब्लूटूथ साउंड फॉर वीडियोस,
साउंड्स पे अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आप साउंड एडजस्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट साइड कैसा साउंड आए, तो आप यहाँ पर इस कस्टमाइज कर पाएंगे। उसके नीचे आएगा एडवांस, ये अगर आप यहाँ पर बोल सके वायर्ड हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद वायर हेडफोन जब लगाएंगे तो नीचे आपको कॉनकॉर्ड हॉल का ऑप्शन भी ऑन होते मिल जाएगा, क्योंकि वो डुबली साउंड पे ही काम करेगा। उसके बाद आता है कस्टमाइज वॉल्यूम पैटर्न, आप अपना वॉल्यूम पैटर्न को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। वॉइस चेंजर, जिसके अंदर आपको बहुत सारे वॉइस चेंजर की आवाज़ मिलेगी, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सामने वाले को वही वॉइस सुनाई देगी। उसके बाद आता है मल्टी साउंड, सेलेक्ट विच ऐप कैन प्ले ऑडियो एट द सेम टाइम एट अदर ऐप्स। तो यहाँ पर आप मल्टी साउंड कर सकते हैं, लाइक एक में म्यूजिक में चला रहा हूँ और एक में यूट्यूब पे चला रहा हूँ, दोनों कंटिन्यू वहाँ पर चलते रहे, तो आप यहाँ पर ऐप्स को सिलेक्ट करेंगे, दोनों कंटिन्यू हाथ में वर्क करने लगेंगे। तो इस ऐप का मेन काम है, जो जो साउंड से रिलेटेड काम होते हैं सब आप कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। तो यही ऐप था, ऐसे ये काम करता है, इसमें कुछ बक्सेस होंगे उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। तो थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दैट चैनल करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे ही फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।